कौन सा बोला आयुष? 8 नंबर भी ना? सर, 5 और 8। एट में देखो, 8 क्यूब पूछ रहा है नालायक। x³ - y³ को क्या लिखोगे? बताओ जी, जिससे बना, कौन से आइडेंटिटी से ब्रेक किया था? इसमें तो कॉमन ले सकते हैं ना? नो क्या कॉमन? नो सर, कौन सा? सर हमको लगा 5 नंबर बना रहे। नहीं, 8 में AQ - BQ को कौन से फॉर्मूले पर डिराइव किए थे? उसमें A - B वाला ना, यस सर। इनटू A² + AB + BA² ये होता है, बताओ। और +3XY × X - Y, इस पे ही कर ले या कोई दूसरे वाले पे कर ले, कौन सा सही रहेगा बताओ तू। ये पूरा एक टर्म हो गया, देखो इसमें से सर इस पे बंद हो जाएगा। क्या इससे बंद रहेगा सर? बन जाएगा ना। हाँ देखो, अब आयुष बताओ दोनों टर्म में क्या क्या कॉमन है, इसमें और इसमें? XY कहाँ XY कॉमन दिख गया? X कॉमन है और X - Y नहीं कॉमन है? हाँ वो भी है। हाँ X - Y और एक X इसका हमेशा प्रोडक्ट वाला कॉमन ढूंढना, उसके अंदर वाला मत देख लेना कि यहाँ पे XY है तो यहाँ पे भी XY, उसको नहीं। जो इनटू के फॉर्म में, यहाँ पे ये इनटू में है, ये इनटू में है, यहाँ पे 3 × X × Y × ये है, तो हमेशा प्रोडक्ट वाला कॉमन ढूंढा जाता है, अंदर का मत ढूंढने लग जाना। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया DXY - Y, तो यहाँ से X × X - Y कॉमन ले लो, तो इस वाले में क्या बच जाएगा? X² + XY + Y² और इसमें से +3Y, आंसर समझे? समझा? यस सर। टर्म्स ढूंढना, टर्म्स में क्या कॉमन उसको ढूंढा करो। हाँ जी, 7 नंबर। 7 नंबर क्यों नहीं बना? आंसर X - 2 है। चलो देखते हैं, X × X - 2 X - 4 इसमें से 4 कॉमन ले ले तो यहाँ भी X - 2 हो जाएगा, हो जाएगा ना? अब इस टर्म में और इस टर्म में से X - 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा? X × X - 4 × 4 बचेगा ना, बताओ। X - 2 इधर क्या आ जाएगा? X² - 4X एंड मल्टीप्लाइड बाय 4। X - 2 ये क्या हो जाएगा? 4X² - 16X। सर वो X - 2 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा? कौन सा? ये सेकंड टर्म जो है X² - 4X + नहीं तो यहाँ पे अगर +4 रहता तब हो जाता, हम भी वही देख रहे थे। अच्छा अच्छा यहाँ पे +4 आएगा ना कॉमन लेने पे, आएगा कि नहीं?
यहाँ पे हम प्लस फोर लिखना भूल गए थे, एक्स माइनस टू जब कॉमन टू, हाँ तो हो गया ये अब तो, और ये तुम्हारा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है, तो इसको एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू लिख देना। आया समझ में? यस यस। यहाँ पे हम ये प्लस फोर छोड़ दिए, ये प्लस फोर यहाँ पे आना था इसलिए, ठीक है। तो इसमें तो फिर कहाँ फंस गए तुम लोग? और कौन सा क्वेश्चन नंबर फाइव? हाँ यस सर, पीटेंगे तुमको। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बताओ? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी प्लस ए, हाँ थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी बी। और यहाँ माइनस थ्री ए स्क्वायर बी और इंटू ए प्लस बी हो गया, कॉमन ले लेना। या पहले रुक जाओ, अभी नहीं, इतना नहीं करो। पहले दोनों टर्म में ए प्लस बी कॉमन दिख रहा है तो यहाँ क्या बचेगा? ए इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर बी। बोलो ये समझ में आया? यस सर। अब ए प्लस बी ये क्या दे देगा? ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस थ्री ए स्क्वायर बी देगा। यस सर। ए प्लस बी ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर बी माइनस थ्री ए स्क्वायर बी। ए प्लस बी ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर ये कितना दे देगा? टू ए स्क्वायर बी माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, तो ये माइनस ए बी देगा, सॉरी माइनस ए स्क्वायर बी दे देगा। बताओ? यस सर। अब इस पूरे में से ए कॉमन ले सकते हो? यस सर। ए जैसे ही कॉमन लेगा तो क्या क्या बच जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। आया समझ में? यस सर। आंसर यही है। देखो इतना सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए तो सबसे पहला काम देखो, जैसे इसमें हम देखो मेरे हम जो क्वेश्चन अप्रोच लिए थे सबसे पहले इसको, हम इसको ए प्लस बी के होल क्यूब पे ब्रेक करने लग गए थे, लेकिन जो हम बताए थे उसी पे हम नहीं खड़े उतरे। हम क्या बोले थे? हाँ जी नो सर, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा है ना। सर हाँ बोलो। सर सेकंड स्टेप के बाद तो डायरेक्ट ए को भी कॉमन ले सकते थे ना, अंदर वाले दोनों टर्म्स से। हाँ, ले। तो फिर उस छोटा हो जाता और क्या। हाँ एक ठीक है, वो तो जब दिख गया जो चीज वहां पे है, ये मुझे नहीं दिखा तो दिखा। और कोई क्वेश्चन? बताओ नहीं है? नहीं है तो आगे मूव करते हैं लेक्चर थर्ड पे, आज इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, आज तो दो दो क्लास है। आई थिंक
मिडिल टर्म स्प्लिट वाला बच गया ना। यस सर। अब ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन सब बन जाएगा ना, किसी को दिक्कत तो नहीं वहां पे? नो सर। नो सर। कितना क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं अभी भी तुम्हारे पास। रुक जाओ, एक असाइनमेंट था, हम वो भेजते हैं उसको, तो कभी फुर्सत में बना लेना, भेज ही देते हैं अभी, भूल जाएंगे। बहुत क्वेश्चन ऐसे, बाय द वे बहुत क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो चुका है, झंझट तो नहीं होना चाहिए। रुको एक मिनट, हम असाइनमेंट भेज ही देते हैं। जो जो नहीं करवाए हैं उसको बनाते चलना। इसमें आंसर नहीं है बट ठीक है। इसके बाद असाइनमेंट टू चला गया, असाइनमेंट फोर, असाइनमेंट फाइव। इसमें से जो भी क्वेश्चन लगे कि नहीं हम करवाए हैं वो सब बनाना, सारा बनाने का जरूरत नहीं है। सिक्स में भी झंझट नहीं है। असाइनमेंट वन भेजे थे ना इस पे हम? हाँ, अरे यार इन कहाँ भेज दिए ये? असाइनमेंट वन भेजे थे कि नहीं तुम लोग को, कोई भी बताओ सर? जिसमें रिमाइंडर थ्योरम वाला था क्वेश्चन और फैक्टर थ्योरम। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का था। अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम वाला और फैक्टर थ्योरम वाला असाइनमेंट भेज रखे हैं? नहीं भेजे अभी। असाइनमेंट फोर भेज दिए थे, हम फिर से आज भेज दिए हैं, बट ठीक है। इसमें से बनाते रहना क्वेश्चन जहां जहां से हो सकता है, ठीक है। टू चला गया, फोर फाइव सिक्स चला गया, थ्री मिल नहीं रहा है मेरे को, कहा गया है। और एक और है वो भी भेज दे रहे हैं, देख लेना, शायद ये हम करवा चुके हैं, या नहीं भी करवाएंगे तो अपने इससे बना लेंगे। आज के बाद 3 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, आराम से बैठ के इन सबको बनाते रहना, ठीक है। चलो हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। ये सब बेसिक क्वेश्चन का असाइनमेंट था, बढ़िया वाला असाइनमेंट हम वेबसाइट पे अपलोड करा देंगे एक दो दिन में, तो तुम लोग आराम से बनाते रहना। और तो कुछ है नहीं,
हम मिडिल टर्म स्प्लिट को आखिरी में करवाएंगे, ठीक है? क्लियर? उससे पहले जो आइडेंटिटीज का है वो याद करके आए, हम बोले थे ना आइडेंटिटी याद कर लेने, याद है सर? यस सर। देखा सारा सारा हम ए क्यू माइनस बी क्यू पे दो तीन लिखवाए थे, वो सब याद है? यस सर। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट सबसे आखिरी में करेंगे, अभी बहुत बेसिक सा पार्ट है ये, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर जो बेस्ड होता है, बहुत आसानी से बनेगा। हेडिंग डालो, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेस एज द सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब, मतलब कोई समझाओ। मतलब कुछ नहीं, ए क्यू प्लस बी क्यू वाला या तो ए क्यू माइनस बी क्यू करेगा, ठीक है? आया समझ में? यस सर। चलो आवाज ठीक से जा रहा है ना, कोई इश्यू तो नहीं? नो सर। प्रियांशी, थोड़ा कट कट के आ रहा है। बाकी के साथ इशू नहीं रहता है, तेरे साथ रहता है, देख लो। चलो ठीक है, तो इस पे हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। आज के बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग लीनियर इक्वेशन शुरू करेंगे, ठीक है? कौन सा चैप्टर? लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब शुरू होगा। तो आज ये आखिरी है अलजेब्रा का। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस पे फैक्टराइज करो 27a³ + 125b³ को। एक बता दे, ये हो जाएगा? बता दीजिए। एक बता दे, 27a³ को 3a का होल क्यूब लिख सकते हैं? बोलो। एंड 125b³ को 5b का होल क्यूब लिख सकते हैं? बताओ। और ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाता है? अब फिर से हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एंड ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो जाता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये हो गया फैक्टराइज, क्या हो जाएगा ये? 3a प्लस 5b इंटू 3a का होल स्क्वायर यानी 9a स्क्वायर 25b स्क्वायर माइनस 15ab। हो गया फैक्टराइज। बोलो, आया समझ में? यस सर। यस सर। चलो तो क्वेश्चन इस पे बना। आज अब तुम लोग को हार्ड नहीं लगेगा, ये सब बहुत ही आसान है, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बस दे देंगे, कर लेंगे। और एक बार देख लेना, हम इसमें से बहुत सारा ही क्वेश्चन असाइनमेंट में डाल रखे, तो जो नया लगेगा उसी को बनाना होगा।
बनाओ एक। सर टू का होगा पी माइनस 8 क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस 8 PQ प्लस 64। टू का क्या बोला? टू का है सर टू का बोले पी माइनस 8 क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस 8 PQ प्लस 64। पी माइनस 8 क्यू। यस सर। देखो फैक्टराइजेशन हमेशा करो ना, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में रखा करो, इस फॉर्म में, ठीक है? तो ए क्यू माइनस बी क्यू हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसी दोनों को अप्लाई करना हमेशा। फैक्टराइजेशन होता है प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना किसी भी टर्म को, और तुम जो बोला है वो ए क्यू माइनस बी क्यू को किस पे ब्रेक कर दिया, ए माइनस बी का होल क्यूब वाले पे, है ना आयुष? यस सर। हाँ फैक्टराइजेशन हमेशा प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए, तो इसको ऐसा नहीं करना। ये तो तुम्हारा चलो पहला अप्रोच सही था, इसको लिखेंगे पी स्क्वायर का होल क्यूब, और ये हो जाएगा किसका, 8 क्यूब का 8 क्यूब, 8 क्यूब का होल स्क्वायर 3, सॉरी 8 क्यूब 8 स्क्वायर का होल क्यूब। सर 8 क्यू स्क्वायर का होल क्यूब क्या? 8 क्यू स्क्वायर का होल क्यूब ना? यस सर। यस सर। हाँ और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए देखो जो फॉर्मूला लिखा है ए माइनस बी सिंपली पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर इनटू, अच्छा पी स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या था a माइनस बी था ना, हाँ तो a माइनस बी था तो पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा p टू द पावर 4 प्लस 64 क्यू स्क्वायर माइनस ए बी, यानी q को पावर 4 होना चाहिए ना, माइनस ए बी
एट पी स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस कर कर लोगे ये क्वेश्चन भी, इसको भी अलग से मत ए प्लस बी का होल क्यूब पे ब्रेक कर देना, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, तो ए प्लस बी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस ए बी हो जाता है, ठीक है, तो इधर इसको सॉल्व कर लेना उस साइड वाले ब्रैकेट को, ये कितना हो जाएगा थ्री ए, वन और वन कैंसिल हो जाएगा ना, देखो तू बताओ होगा वन और वन कैंसिल, और इधर सॉल्व कर लेना सब तू, तो फोर ए स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर ए, मतलब इसको सॉल्व कर लेना पूरा, इतना हम नहीं कर रहे अभी, ठीक है, हो जाएगा, बोलो यस सर, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एट इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 27 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, पावर इतना करो, सर एक प्रॉब्लम हो गया क्या? सर स्कूल वाले लोग ना रोज 5 बजे से लेके 6 बजे तक रोज टेस्ट रख रहे हैं, 20-20 मार्क्स का हर दिन दो सब्जेक्ट, फालतू का एग्जाम बोल रहे हैं कि देना है, हम तो दे भी नहीं पा रहे 2 दिन से, मैं ना एकदम
चीज है उसको अभी बनाओ, अभी अभी जो दियो बनाओ बात करते मारा ये रिकॉर्डिंग कोई देख लेगा तुम्हें स्कूल का नाम ले लेगा तो तुम्हें पकड़ के पिटेगा तो बाद में बातचीत करेंगे बस इसका पहला स्टेप कोई बताओ क्या किया इसमें सर 2 ब्रैकेट में x प्लस y का होल स्क्वायर होल क्यूब ये पूरा a बन जाएगा ये पूरा टर्म और ये हो जाएगा 3 x माइनस y का होल क्यूब ये पूरा टर्म b फिर से a माइनस b के होल क्यूब पे कर लोगे है ना Yes, हो जाएगा किसी को डाउट इसमें तो पूछो क्या हो जाएगा ये a माइनस बी यानी 2x प्लस 2y माइनस माइनस क्या हो जाएगा 3x माइनस 3y इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस नहीं प्लस क्लियर है तो यहां से 2x माइनस 3x ये माइनस x दे देगा एंड माइनस y और इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ab x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab तो प्लस 2ab माइनस 2ab वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और ये क्या दे देगा a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा आया था यही सर 2 कहाँ गया यहाँ से कहाँ से जब आप फैक्टराइज किए उसको किसको सेकंड टर्म में ब्रैकेट के अंदर सेकंड स्टेप में हाँ अरे तो इसका मैं स्टेप एक गैप किया ना यहाँ से प्लस टू एक्स वाई मिलेगा और इससे माइनस टू एक्स वाई मिलेगा ना वो बोल रहे ठीक है और जो बाहर टू था कौन बाहर टू था यहाँ ऊपर जब टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब था अच्छा ये टू तुम बोल रही थी यस नहीं आज क्या हो गया तभी तो हमको इतना टाइम लग रहा है बनाने में क्योंकि कैलकुलेशन करना पड़ रहा है थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा दिमाग इधर उधर मेरा भाग रहा है इसलिए ऐसा चलो कोई नहीं ए हमारा ये है ना तो हो जाएगा अंदर कर लो सबको ऐसे तो लिख सकते थे यस सर ठीक है बना लो चलो बनाओ चारों क्वेश्चन 10 मिनट दे रहे हैं फिर आगे बढ़ेंगे
सर फाइव हो गया क्या? डिस्कशन तो नहीं हुआ है? वो आंसर आ गया, ठीक है। फाइव भी आसान था, पहले सबसे पहले ए कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा। ए का पावर सिक्स है प्लस बी का पावर सिक्स, ए को बाहर कर लो, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब हो जाएगा। आगे बताओ जी सर। यस फाइव बन जाएगा ना, उसी तरीके से सिक्स में क्या करना होगा, ए का पावर फोर का होल क्यूब, ए का पावर फोर का होल क्यूब माइनस बी का पावर फोर का होल क्यूब। आगे इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है, और इसको ए स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। देख लेना इसमें फिर जैसे a माइनस बी करेगा तो a का पावर फोर माइनस बी का पावर फोर मिलेगा ना, और इनटू a का पावर एट आ जाएगा है ना, प्लस b का पावर एट प्लस a का पावर फोर b का पावर फोर। फिर इसको भी और ब्रेक कर लेना, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अंदर कुछ ब्रेक होगा क्या? नहीं होगा तो ऐसे ही छोड़ देना, और फिर ये यहाँ से आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर ये पूरा टर्म, फिर इसके बाद इसको भी ब्रेक कर लेना, ठीक है। तो वो सिक्स नंबर में ए स्क्वायर को होल क्यूब कैसे लिख दूँ? एक मिनट, ए का पावर एट है ना, तो ये चला जाएगा कितने पे बताओ, तुम बताओ। तो स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हैं क्या? स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, फोर का होल स्क्वायर। यस सर, ए का पावर फोर क्या बोल रहे हो इसको, ए का पावर क्यूबिक वाले में दिक्कत हो, वहां से आसानी से बनता है, इसलिए हम किए थे, और कोई बात नहीं।
आगे बढ़े। सर सेवन वाला नहीं समझ में आया। कौन सा सेवन? सेवन में एक का, अच्छा ये तो एट टू द पावर एट चला गया ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और फिर ये गलत हो गया, यहाँ पे सिक्स होना चाहिए था या फिर नाइन होना चाहिए था। ठीक है, ये तुम्हारा स्क्वायरिंग वाले पे चला गया। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बेसिकली कोई आइडेंटिटी भी नहीं जाएगा, माइनस टू ए भी ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे नाइन कर ले तो नाइन वाले में हो जाएगा। ठीक है, ये होना चाहिए था क्वेश्चन, आई थिंक बन जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन आएगा तो yes, sir. किसी को दिक्कत कहीं पे भी तो पूछो। नो सर। नो सर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करो। और बस हम पूछ रहे ये वाला इस तरीके का करवाए है या नहीं करवाए, अगर करवा रखे तो आज नहीं कराएंगे, ऐसा करवाए है ना, जो बहुत सारा लिखा हुआ रहता था। कंफर्म करो। यस सर। तब तो इस पे बना लोगे तुम लोग, को दिक्कत नहीं होगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, बस एक क्वेश्चन और। ये बना हम एक शेडिंग डाल दे रहे हैं। बस पहला स्टेप बताओ क्या कॉमन लेंगे। टू एक्स क्यूब वाई कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 27x³ + y³। और इसको फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ब्रेक कर लेना। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट है तुम्हारा फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ क्यूब ऑफ बाइनोमियल। बेसिकली इस चीज का, ठीक है, तुमको इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तुमको एक्सपेंडेड फॉर्म देख करके पता करना है कि ये किस फॉर्मूले का, किस आइडेंटिटीज का एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा आएगा क्वेश्चन तो। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं 64aq + 125b³ + 240a²b + 300ab²। पहले बताओ कौन सा आइडेंटिटीज का है, a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब पे है? a प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब पे है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4a³ बोलो, ये
फाइव बी का होल क्यूब, और यहाँ पे क्या होता था, थ्री ए बी एस, थ्री ए स्क्वायर बी ना, और प्लस थ्री ए बी स्क्वायर होता था, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता था, यही यस सर, और ए माइनस बी का होल क्यूब बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी माइनस थ्री ए बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 240 ए स्क्वायर बी है, तो 3 इंटू ए स्क्वायर है, यानी 4 ए स्क्वायर होल स्क्वायर 4 ए का, और इंटू बी कितना है 5 बी है, एंड प्लस 3 4 ए इंटू 5 बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या था पूरा का पूरा, आ रहा है समझ में, तो ये बन क्या गया 4 ए प्लस 5 बी का होल क्यूब, यानी फैक्टराइज क्या हो जाएगा 4 ए प्लस 5 बी, 4 ए प्लस 5 बी, 4 ए प्लस, पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? यस सर, सबको आया समझ में, किसी को डाउट है तो पूछो। यस सर, आ गया? यस सर, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं बना लो। आसान है ना कि नहीं है? आसान है सर, आसान है ना, ठीक है। वन ट्वेंटी फाइव एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन वाई क्यूब माइनस दो सौ पच्चीस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक सौ पैंतीस एक्स वाई स्क्वायर, करो इसको। चलो इतना ही बनाना है इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। सर सेकंड का आंसर 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y। ये हो जाएगा 5x माइनस 3y का होल क्यूब।
सर हाँ तो क्वेश्चन में 9/2 यस सर हाँ हाँ बोलो सर क्वेश्चन में -9/4 पी स्क्वायर नहीं होगा हमको लगा ऐसा स्क्वायर में तो 9 को स्क्वायर में 2 को भी होना चाहिए था इसमें ए और बी बस पता करो ना ए कितना है इसके लिए 3x है ना ए कितना है 3x है ना और बी कितना हो जाएगा 1/6 सर तो यहाँ पी कहाँ से आया एक्स ना यहाँ पे एक्स तो पी ही कर लेते हैं ठीक है थोड़ा आज दिमाग घुमा हुआ है क्लियर तो यहाँ पे फिर क्या आता था -3a² b रूल आया समझ में यस सर और प्लस 3ab² होता था ना one by six हो जाएगा तो इसका आंसर yes, डायरेक्टली लिख देना 3p-1/6 का चौथा बना लो फिर नेक्स्ट शुरू करेंगे इसमें a प्लस बी का होल क्यूब प्लस 8 और 8 को नहीं आगे ब्रेक कर सकती थी ये ऐसे लिख लो और फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ब्रेक करो ठीक है समझ में आया कहीं भी प्लस नहीं होना चाहिए तुम लोग एकदम दिमाग में बिठा लो क्वेश्चन फैक्टराइज करने जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि बीच में प्लस आता है जितना भी क्वेश्चन बनाना है तुम्हारा आंसर प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए देख लो कोई भी क्वेश्चन हम हर एक क्वेश्चन देखो यहाँ भी प्रोडक्ट है इसमें भी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट फैक्टराइजेशन का असली मतलब होता है आपको एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है प्लस माइनस में नहीं छोड़ना है नहीं तो गलती हो जाएगा समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं प्रियांशी यस सर आगे प्रोडक्ट भूल से भी ये प्लस माइनस में भूल के भी मत छोड़ना प्रोडक्ट में लेके आना है अभी
ठीक है, बन गया फोर्थ नंबर, बताओ। यस सर। किसी को दिक्कत? नो सर। पक्का? यस सर। ठीक है, तो इस पे अब करते हैं। जैसे तुमको क्वेश्चन दिया रहेगा, एक्स क्यू प्लस 8y³ प्लस 27z³ माइनस 18xyz, बोलेगा इसको फैक्टराइज करो, करके दिखाओ या एक बता दे। एक बता दे या कर लोगे? सर बता दीजिए। देखो ये एक्स क्यूब को एक्स का होल क्यूब रख कर दो, 8y³ को क्या लिख सकती है, 2y का होल क्यूब लिख सकती है, 27z³ को 3z का होल क्यूब लिख सकती है, माइनस 3abc यानी 3 इंटू एक्स इंटू 2y इंटू 3z दे देगा 18xyz ना, 3 2 6 3 18xyz हो गया। तो और इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये होता है तो x प्लस 2y प्लस 3z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस बीसी है ना, तो 2xy नहीं 3xyz yz एंड माइनस हो गया। आसान है ये भी सर, बस इतना ही करना था। हो गया, तुम ये क्वेश्चन था, तुमने इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया कि नहीं? हाँ लिख दिया। हो गया, अब तुमसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, ये क्वेश्चन दे देंगे एंड बोलेंगे इसका फैक्टर बताओ। इसका फैक्टर कौन कौन होगा? एक ये और एक ये पूरा लंबा। फैक्टराइजेशन मीन्स एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में बदल देना, वो फैक्टराइजेशन हो जाता है। चलो तो इस पे क्वेश्चन कर लो फटाफट, रंग बिरंगा क्वेश्चन दे दे रहे हैं, बना के दिखाओ। थोड़ा इसमें प्लस माइनस को ध्यान से देखते हुए चलना, ठीक है? थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन कुछ और रह जाएगा तो उसको नेक्स्ट क्लास में भी कर लेंगे, फिर मिडिल टर्म स्प्लिट से।
27 x cube minus y cube minus z cube minus 9xyz. देख लो यहाँ हर जगह माइनस आ गया है, तो सल्ली से बनाना. सर सेकंड का आंसर है 3x plus y plus z, फिर 9x square plus y square plus z square minus 3xy minus yz minus 3zx. गलत. जब ये वो प्लस कैसे आ गई? तो गलत है कि सही है? गलत माने गलत. गलत का मतलब कुछ और होता है क्या? सर हम प्लस इसलिए लेके आए हो, जैसे फर्स्ट स्टेप में हम किए हैं x 3x का होल क्यूब प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस. फॉर्मूला में देखो, एक मिनट बात सुनो. फॉर्मूला में हर जगह पे क्या है? प्लस. प्लस है ना, यहाँ क्या आ गया? माइनस. माइनस देखो, समझो यही बोले थे, इसी चीज को की ध्यान रखना. a तो तुम्हारा 3x का होल क्यूब हो गया, b क्या होगा? माइनस वाई का होल क्यूब ना जी. सर हम यही किए हैं. तो फिर हर जगह तुम्हारे आंसर में यहाँ यहाँ पे भी प्लस आ गया. अच्छा वो यहाँ पे से प्लस बोल आ दिया. गया यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, हर जगह माइनस. कुछ तो चेंज होगा. गलती से बोल दी. ठीक है, अब कर लेगी सही. मतलब सही बनाए थे, बोली गलत थी तो सही ना. Yes, तो ये हो जाएगा 3x minus y minus z. ठीक है, फिर a square यानी 9x square plus y square plus z square, फिर minus 2ab होता है ना, sorry minus ab होता है formula में, होता है. तो minus 3 into माइनस 3x इंटू माइनस वाई, ये ब्रैकेट बड़ा कर दो यहाँ. फिर माइनस बी सी, तो माइनस बी कितना है? माइनस वाई. एंड सी कितना है? माइनस जेड. एंड माइनस सी है, सी है माइनस जेड. एंड ए है 3 है. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3xy minus z 9x square plus y square plus z square, यहाँ हो जाएगा plus 3xy. ये तो माइनस में ही रहेगा और अगला हो जाएगा plus 3. आया समझ में सबको? बताओ. यस सर. यस सर. नेक्स्ट बनाओ फिर. ठीक है, ऐसा लगता है कि मेरे तरफ अभी क्वेश्चन दे करवाना खत्म ही नहीं हुआ, अभी एक मिसलेनियस कराना बाकी ही है. ठीक है, क्लास तो है अभी, यार इसको कर लो फिर
बीस पच्चीस मिनट का आधे घंटे का ब्रेक ले लेना, आधा घंटा लेना ताकि फिर से मैथ्स पढ़ने लायक हो सके, क्योंकि अभी यही चलते रहेगा फैक्टराइजेशन। तो हम एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन को बना के आधे घंटे का ब्रेक, 5:20 में शुरू करेंगे हम लोग का। थोड़ा सा रह गया है, एक लेक्चर और है, खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो सर थर्ड का आंसर है ए माइनस बी प्लस वन, ए माइनस बी प्लस बी प्लस वन, ठीक है। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन प्लस ए बी प्लस बी माइनस ए प्लस ए बी हो जाएगा माइनस बी माइनस ए, ठीक है। तो माइनस बी कैसे हो, प्लस बी ना होगा। हाँ सर माइनस ए भी हो जाएगा ना, सर वहां पे तो बी के पास नेगेटिव है। एक मिनट तो लिख ही लेते हैं, ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब प्लस वन का क्यूब प्लस थ्री, सॉरी माइनस थ्री ए बी सी। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी ए माइनस बी प्लस वन इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है, होगा कि नहीं। यस सर। फिर माइनस बी सी, तो ये प्लस बी सी हो जाएगा और माइनस थ्री है। सर सी कहाँ से आ गया, अरे वही प्लस बी हो रहेगा, सिर्फ तीन हो जाएगा। आ गया था, ठीक है। तो ब्रेक ले लेते हैं आधे घंटे का, मेरा भी जैसा चल रहा है आज लग रहा है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लिख क्या रहे हैं, लिख रहे हैं क्या, बोल रहे हैं क्या, तो समझ में नहीं आ रहा है। और ठीक है आधे घंटे का ब्रेक लेके फिर से मिलेंगे, तो फिर मेरा भी दिमाग सही काम करते गया, ठीक है, थोड़ा देर ठंडे ले लेते, ठीक है। ठीक है सर, जेब्रा से हो जाएगा छुट्टी, इतने दिन से अलजेब्रा पढ़ते जा रहे, हालत खराब हो गया। चलो ठीक है, एंड करते आना 5:30, 5:20, 5:25 तक, ठीक है, 5:25 में आना। चलो ओके ठीक।